अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जेएम मेंटोर 2.0। अगर आप लोग भी यूट्यूबर हैं या फिर सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं तो आप लोगों को ऐसे कंटेंट की जरूरत पड़ती रहती है जिसमें आप लोगों को बगैर कॉपीराइट के कंटेंट चाहिए होता है जो कि आप अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चैट जीपीटी की मदद से ऐसी इमेजेस बनाना सिखाऊंगा जो कि प्रोफेशनल भी होंगी, अच्छी भी लगेंगी और आप लोग उसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकेंगे, किसी भी वीडियो के अंदर यूज कर सकेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो जिक्रुल्ला टीवी है उसके जैसी इमेजेस बनाएंगे जो कि वो अपने तिलावत वाले थंबनेल्स के ऊपर लगाते हैं ताकि उनका थंबनेल जो है वो अट्रैक्टिव लग सके। तो आइए फिर हम लोग चैट जीपीटी की मदद से वो इमेजेस बनाना सीखते हैं। तो जैसे ही आप लोग चैट जीपीटी को ओपन करते हैं तो आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होने लग जाता है। तो लोगों को एक ये वाला ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है। मैं अब जब इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मुझे कहता है कि आप कल 10:14 के बाद ट्राई करें क्योंकि आपने अपना जो फ्री वाला कोटा है वो एक्सीड कर दिया है, वो पूरा कर लिया। तो वो मैंने कैसे पूरा किया मैं आपको बता देता हूं। तो आप लोगों ने भी जस्ट इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहां से आपसे एक ऑप्शन मांगेगा कि कोई इमेज अपलोड करें, जैसे कि मैंने ये एक इमेज अपलोड की थी और मैंने उसे कहा था कि एक्सप्लेन इट, उसने इसे एक्सप्लेन किया और मुझे ये उसने प्रॉम्प्ट जो है ना वो जनरेट करके दे दिया। तो मैंने अब क्या करना है, तो मैंने यहां से ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। अच्छा, ये इमेज आपने कहां से लेनी है? आप लोग सिंपल यूट्यूब पर जाएंगे, जिक्रुल्ला टीवी या कोई भी आपको अगर इमेज अच्छी लगती है, आप उसकी रेफरेंस इमेज बनाना चाहते हैं, मतलब कि उसे एज ए रेफरेंस लेकर बिल्कुल उस जैसी इमेज बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों ने इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके ना उसे अपलोड कर लेना और यहां पर लिख देना नीचे एक्सप्लेन इट और एंटर कर देना। तो इस तरह से आपके पास ये चीज लिख के दे देगा, आपने इसे सिंपल कॉपी कर लेना। जैसे ही आप इसे कॉपी कर ले, अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा शुरू होता है कैनवा में। तो कैनवा के अंदर जैसे हम लोग जाएंगे, हमने एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेना कोई भी, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने किस तरह से ओपन करना है। आप ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो जैसे ही आप लोग अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लें तो ये देखिए मैंने कुछ थंबनेल बनाए थे, जैसा कि जिक्रुल्ला टीवी बनाता है उसी तरह से है, ठीक है। तो इस तरह के आप भी बना सकते हैं कैनवा की मदद से। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब हम एक इमेज क्रिएट करेंगे। इमेज जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पर एप्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर मैजिक लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शन आएंगे। आपने सिंपल मैजिक मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे कि ये मैंने पहले भी इमेज बनाई हुई है। तो आपने यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर आकर ना बॉक्स आएगा, यहाँ पर आके आपने ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये जो आपने यहाँ पर कॉपी के ऊपर क्लिक करके कॉपी किया है, इस वाले कैनवा के अंदर आकर यहाँ पर आपने उसे पेस्ट करना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको उस तरह की इमेजेस बनाकर दे देगा। लेकिन इसके अंदर एक और चीज है जो कि समझने वाली है, वो आपने लाजमी तौर पर समझनी है, नहीं तो आप लोग गलती पर होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसने मुझे चार तरह की वेरिएशन में इमेजेस बनाकर दे दी है। आपको जो भी अच्छी लगे आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करके उसे इसके ऊपर लेके आ सकते हैं, अपने कैनवस के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। और उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो भी आप इसमें कर सकते हैं, वो क्या है, आप यहाँ पर जो भी आपको इमेज अच्छी लगे आप उसके साथ की तीन मजीद अपलोड बनवा सकते हैं। जैसे मुझे ये तीन अच्छी लगी है, मैं इन्हें भी इसके ऊपर पहले डाल देता हूँ ताकि ये तीनों भी मेरे पास सेव हो जाए। और अब मैं यहाँ से न्यू जनरेट करूंगा। इस ये तीन बटन है ना, जो तीन नुक्ते बने हुए ऊपर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ सिंपल, और जनरेट मोर लाइक दिस, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये इस तरह की मुझे मजीद तीन इमेजेस बनाकर देगा। इसी तरह मैं बार बार ये सेलेक्ट करके काफी ज्यादा इमेजेस इससे जनरेट करवा सकता हूँ। तो ये तो हो गया बात कि आपने जनरेट कैसे करवानी है। अच्छा, अब मैं यहाँ से ये जो पहले वाली दुकान है इन्हें मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ अभी चाहिए एक इमेज, ये वाली मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये चाहिए पूरे कैनवस के साइज की, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इमेज एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैजिक एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये है मैजिक एक्सपेंड का ऑप्शन, इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं साइड में जाते हुए ये 16:9 के ऊपर मैं क्लिक करके इसे मैजिक एक्सपेंड पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि ये हमारे यूट्यूब के थंबनेल के बराबर बना देगा हमें इमेज को, ठीक है। तो अगर आप लोग ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा जो तरीका है वो तो बहुत ही आसान है, उसकी मदद से आप लोग सिंपल और सिंपल इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको किसी बाहर दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैनवा ही आपके ये सारे के सारे काम कर देगा। तो ये देखें कैनवा ने कितने ज़बरदस्त तरीके से हमें इमेज को मतलब के बनाकर दे दिया है, वो भी यूट्यूब के थंबनेल के साइज़ की। तो अगर आप लोग चाहें तो इसे इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं, इसे यहाँ से साइड से पकड़ेंगे और इसे इस तरह से बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इमेज जो है आपकी इस तरह से आपके थंबनेल के साइज़ के बराबर हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो अगर चाहें तो इसे मजीद भी आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। ये देखें एक यूट्यूब के थंबनेल के साइज़ की बन गया, लेकिन अभी ये HD में नहीं है, इसे हमने थोड़ा सा रिटचिंग करनी है ताकि ये थोड़ी सी अच्छी लगे। तो इसके लिए हम एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं और एडजस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अगर तो ऑटो एडजस्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जाएंगे कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो ये देखें इसका जो कलर है मजीद उभर कर आ गए हैं। उसके बाद सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो ये देखें ये हमारी कुछ इस तरह से होगी। उसके बाद क्लियरिटी में थोड़ी सी मैं क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ बिल्कुल, क्लियरिटी को बढ़ाने के बाद शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ये फुल HD में हमारी इमेज बन चुकी है। अब उसके बाद हमें कुछ एलिमेंट्स के ऊपर ऐड करने ताकि हम इसका अंदर थंबनेल भी बना सकें, तो बना सकते हैं आप लोग। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ सीएल में और फर्ज करें कि मुझे सिर्फ सर्कल लेकर ही मैं इसे आपको थंबनेल बनाना बता देता हूँ। इस तरह से आपने इस सर्कल को बड़ा करते जाना है बार बार, तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसा बन चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप डबल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट होकर आपका ये थंबनेल का एक बन चुका है। तो बाकी आप लोग अगर थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता लगेगा थंबनेल किस तरह से बनाया जाता है। ये थंबनेल मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये टेम्पलेट चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पर सूरत के ऊपर क्लिक करना है, सबसे पहले आके आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसे डुप्लीकेट पेज कर लेना है। डुप्लीकेट पेज करेंगे, यहाँ पर सूरत के ऊपर क्लिक करके डिलीट करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट सूरा है वो नेम लेंगे, जैसे कि मुझे अलकतर चाहिए तो मैं इसे यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पर इस तरह से ले आया हूँ सूरत का नाम। लेके आने के बाद मैंने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर मैंने जाना है जी एडिट इमेज के अंदर जाना है और यहाँ पर मैंने आकर शैडो के ऊपर क्लिक करके इसका जो ड्रॉप शैडो है वो मैंने दे देना है। इंटेंसिटी को फुल करना है, डिस्टेंस को कम करना है और उसके बाद ब्लरनेस को अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा देना, तो कम कर दें, ठीक है। और यहाँ पर आपने सूरत का नाम लिखना है, उसके लिए आपने यहाँ पर जाना है previous.crown.com पर, और जाने के बाद आपने यहाँ से हम इसका नाम जो है ये ऊपर वाला कॉपी कर लेंगे पहले। तो यहाँ से कॉपी करने के बाद इसमें आएंगे दोबारा से और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे जस्ट, और यहाँ से कंट्रोल भी कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारे जो सूरत कलर का नाम आ चुका है। उसके बाद नीचे वाला है द मॉर्निंग आवर्स, इसकी जगह पर हमने ये सूरत का नाम लिखना है द पावर, ठीक हो गया। या फिर आप लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ये लॉक ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके ये लिख देता हूँ, ठीक है, द पावर।
तो ये इंग्लिश में इसका नाम है सूरत का नाम। तो ये देखें जी, ये हमारा एक प्रोफेशनल थंबनेल इस तरह से बन जाएगा। और अगर आप इसकी इमेज चेंज करना चाहें, इसके ऊपर क्लिक करके इसे यहाँ से डिलीट करें, और जो इमेज हमने ये वाली ली है और ये वाली इमेज हम यहाँ पर कॉपी करके इसके ऊपर सिंपली पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमें इसका ये बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसके लिए हमें एडिट इमेज में जाना है और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसने आपका जो बैकग्राउंड है वो सेकंड्स के अंदर रिमूव करके आपको दे देना है। तो जैसे ही आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, अब अगर आप चाहें तो इसे साइड पर रख सकते हैं, लेकिन ये तो उल्टी हो गया ना, हमें चाहिए इसका मुंह इस तरफ को। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्लिप के ऊपर क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये हमारी इमेज कुछ ऐसे यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए कितना जबरदस्त आपका जो थंबनेल है वो तैयार हो जाएगा, वो भी सेकंड्स के अंदर। तो अब मैं इसे थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ ले जाता हूँ, पोजीशन पर क्लिक करते हुए मैं इसे यहाँ से नीचे ले जाता हूँ ताकि ये हमारे टेक्स्ट के नीचे आ जाए। और अगर आप चाहें तो इसे इस तरफ लेके आ सकते हैं इन दोनों चीज़ों को, ताकि आपका जो ये कंटेंट है सारा ये विजिबल हो, या फिर आप अपनी इमेज का साइज भी छोटा कर सकते हैं ताकि एक डायरेक्शन में रहे। तो ये देखें जी, ये हमारा एक थंबनेल बन चुका है। और अगर चाहें तो आप इमेज को इस तरह से नीचे रख के थोड़ा सा बड़ा करेंगे ना, तो इमेज आपकी यहाँ पर सेट आ जाएगी। तो ऐसा अमेजिंग थंबनेल आपका सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट में बन जाएगा, अगर आपके पास ये प्रीसेट होगा, ये टेम्पलेट होगा। अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।